विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है इसे हमें सॉल्व करना है। 2^m + 8^m = 130 गिवन है। यहाँ पर m का वैल्यू क्या है वो हमें निकालना है। तो ध्यान रहे m इज रियल नंबर। तो ये 2^m मैं एज यूजुअल लिख लूँगा, प्लस यहाँ पर 8^m में 8 = 2^3 होता है, राइट। तो 8 की जगह में मैं 2^3 पुट करूंगा और पावर m एज यूजुअल रखूंगा = 130 आल्सो एज यूजुअल। तो 2^m एज यूजुअल प्लस यहाँ पर देखो ये बन गया, ये कौन सा फॉर्म में है, a^b / c के फॉर्म में है। इसे हम a^c / b भी कर सकते हैं और a^b × c भी कर सकते हैं और इसे हम a^c × b भी लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंट का पावर रूल है। तो ये 2^3 / n ये फॉर्म में है, इसे हम ये फॉर्म में लिखेंगे तब ये m अंदर आ जाएगा, पावर 3 ऊपर जाएगा, तब ये बनता है 2^m / 3 = 130। तो अभी यहाँ पर देखो ये 2^m इधर भी है, 2^m इधर भी है, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे 2^m = (suppose x). तो ये अगर हम लेट किया 2^m = x, तो इसके जगह में हमें पुट करना पड़ेगा x। 2^m की जगह में x पुट कर दो, प्लस 2^m की जगह में x पुट किया तो ऊपर का क्यूब एज यूजुअल = 130 आगे का एज यूजुअल, ठीक है। तो 130 ये साइड में लो, एक तो सबसे पहले ये x^3 पुट करेंगे प्लस x पुट करेंगे, यहाँ पर 130 ये साइड में लाया लेफ्ट साइड में, तो -130 हो गया इक्वल्स यहाँ पर 0। तो यहाँ पर ध्यान दो x³ + x - 130 है इक्वल 0। तो ये x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ +26x - 25x। तो 26x में -26x गया तो 1x ही रहेगा, ठीक। ये -130 आगे का या जो रखेंगे इक्वल 0। अभी हम यहाँ पर ये 25m है इसे इसके साथ जोड़ी लिखेंगे x³ - 25x और यहाँ पर +26x, इसके साथ ये -130 लिखेंगे इक्वल्स 0। इन दोनों में x आएगा, इन दोनों में 26 कॉमन ले लो, तब ये बनते x बाहर ले लो तो x² रिमेनिंग रहेगा, -25 रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर अगर 26 हम बाहर लिया तो यहाँ पर x - 5 रिमेनिंग रहेगा इक्वल 0। 26x + -26 × 5 = 130 बनता है। तो x times x square - 25 को 5 square करेंगे 25 होता है, राइट। आगे का सेम रखेंगे 26 times x - 5 = 0। तो ये बन गया a² - b² के जैसा हो गया, ठीक है। a² - b² के जैसा हुआ तो a - b times a + b होता है इसका आइडेंटिटी। तो ये इज यहाँ पर x है, b क्या है यहाँ पर 5 है, ठीक है। तब ये बनते ये आइडेंटिटी यहाँ पर क्या बनेगा, x से बाहर का एज यूजुअल रहेगा लेकिन यहाँ पर x - 5 times x + 5 यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर 26 times x - 5 आगे का एज यूजुअल इक्वल 0। तो ये दोनों टर्म के बीच में यहाँ पर प्लस साइन है, ये एक टर्म है ये एक टर्म है, यहाँ पर x - 5 इधर भी है x - 5 इधर भी है, तो एक x - 5 यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे बाहर। तो कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग क्या रहते हैं, ये x रहते और ये x + y एक रहते हैं यहाँ पर प्लस टाइम्स x - 5 तो बाहर आया इसी ये टर्म में, तो ओनली यहाँ पर 26 रिमेनिंग रहेगा = 0। x - 5 एज यूजुअल रखा हमें, तो x के साथ इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो x² + 5x बना, तो ये +26 एज यूजुअल रखा = 0, राइट। तो ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं 0 का, एक बनते हैं x - 5 = 0, दूसरा बन रहे x² + 5x + 26 = 0। तो ये राइट साइड में लो तो x का वैल्यू हमें मिल रहे 5, पॉजिटिव 5, लेकिन हम x इज हम लेट केस हुए तो x का रिकॉल कर दो तो ये 2^m =
फाइव लेगा, ठीक है। लेकिन इधर का एक्स का वैल्यू क्या मिलता है वो देखेंगे। यहाँ पर ये 26 है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम यम इज़ रियल नंबर है, तो यहाँ पर एक्स इज़ टू टू द पावर ऑफ यम है, तो रियल नंबर ही आना चाहिए एक्स भी। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो नेचर ऑफ रूट्स हमें मिलेगा इससे। तो अगर रियल नंबर मिल रहे तो हम सॉल्व करेंगे ए बी सी लिख के, अगर रियल नंबर नहीं मिल रहे तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। तो बी स्क्वायर, बी इज यहाँ पर फाइव है, तो फाइव स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए इज वन और सी इज 26, तो फाइव स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 104, तो डी क्या मिल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स नेगेटिव 79, ठीक है। तो नेगेटिव 79, डी इक्वल्स नेगेटिव 79, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहे हैं स्मॉलर देन जीरो आ रहे हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन जीरो है तो ये जो इक्वेशन है इट हैज नो रियल सॉल्यूशंस और रियल रूट्स, कौन से बेहतर, बट ये इट हैज ओनली कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस, कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो हमें तो कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं चाहिए, तो इसलिए इस इक्वेशंस को हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं चाहिए, हमें ओनली रियल नंबर चाहिए। इस इक्वेशन से रियल नंबर नहीं मिल रहे इसलिए हम इसे रिजेक्ट किया। तो इससे एक्स इक्वल्स फाइव ये रियल नंबर है, तो इसलिए हम इसे एक्सेप्ट किया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टू टू द पावर ऑफ यम इज इक्वल टू फाइव आ गया, तो यम का वैगर अगर हमें निकालना है तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, टिक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी लॉग, यहाँ पर भी लॉग ले लो, टू टू द लॉग टाइम्स टू टू द पावर ऑफ यम इज इक्वल टू लॉग फाइव बनता है। तो लॉगरिथम का ये पावर रूल हमें मालूम है, तो याद रखो लॉगरिथम का पावर ए टू द लॉग ए टू द पावर बी अगर रहा तो ये बी फ्रंट में आ जाएगा, तब ये बी टाइम्स लॉग ये आगे का ये याद चल रहेगा, तो ये यम फ्रंट में आ जाएगा, इसका मतलब यम इंटू लॉग टू इज इक्वल टू लॉग फाइव। ध्यान रहे बेस अगर कुछ भी नहीं लिखा लॉगरिथम में तो उसका बेस 10 रहेगा, तो ये भी 10 है ये भी 10 है, तो हमें यम का वैल्यू चाहिए, तो लॉग टू से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो ये लॉग टू निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा ये हम इक्वल्स लॉग फाइव डिवाइडेड बाई लॉग टू, और इसे यम इक्वल्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे लॉग फाइव टू द बेस टू, ये भी लिख सकते हैं। डेसिमल में चाहिए तो यम इक्वल्स लॉग फाइव, लॉग यहाँ पर लिख लेंगे पूरा, लॉग फाइव डिवाइडेड बाई लॉग टू 0.6989 डिवाइडेड बाई लॉग टू का वैल्यू क्या होता है 0.3010 होता है, तो यम इज नियरली इक्वल्स यहाँ पर 2.32, राइट। अगर डिवाइड करके देखो नियरली इक्वल्स 2.32 यम का वैल्यू मिलेगा हमें। तो फाइनली हमें यहाँ पर लॉगरिथम अगर किया यम इक्वल्स लॉग फाइव टू द बेस टू आ जाएगा, ये भी आंसर है, और यम इक्वल्स अगर डेसिमल में है तो लॉग नियरली इक्वल्स टू 2.32 ये भी आंसर है। तो मैं यहाँ पर दो आंसर लिखूँगा, यहाँ पर लॉग फाइव टू द बेस टू एक आंसर हो गया, और नियरली इक्वल्स 2.32 ये भी एक आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।